यहाँ पर स्वागत करते हैं 5G सर्विस का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज देश में 5G सर्विस को लॉन्च किया। इस दौरान पीएम मोदी ने इसे डिजिटल इंडिया और आत्मनिर्भर भारत की दिशा में बड़ा कदम बताया। विपक्ष पर निशाना साधते हुए पीएम ने कहा कि कई लोगों ने मेरे आत्मनिर्भर भारत के सपने का मजाक उड़ाया। वहीं समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने 5G को गरीबी, घोटाला, घपला, घालमेल और गोरख धंधा बताकर मोदी सरकार को घेरा। राजस्थान में कांग्रेस का संकट थमा नहीं है। गहलोत गुट के विधायकों ने अब तक अपने इस्तीफे वापस नहीं लिए और न ही स्पीकर की तरफ से स्थिति साफ की गई है। गहलोत गुट के विधायकों ने कहा है कि जब तक दिल्ली से अशोक गहलोत के मुख्यमंत्री पद पर रहने का ऐलान नहीं होगा तब तक इस्तीफा वापस नहीं लेंगे। गुजरात में विधानसभा चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी ने जोर लगा दिया है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल लगातार दौरे कर रहे हैं। केजरीवाल ने गुजरात की जनता से एक मौका देने की अपील की। केजरीवाल ने नर्मदा का पानी कच्छ में चारों तरफ पहुंचाने का वायदा किया। उन्होंने दिल्ली और पंजाब की जीत का रिकॉर्ड तोड़ने की अपील की। आज भी गुजरात में कई कार्यक्रम में केजरीवाल हिस्सा ले रहे हैं। पीएफआई पर बैन के बाद भी लगातार रेड जारी है। चेन्नई में पीएफआई हेडक्वार्टर को सील कर दिया गया है। तमिलनाडु और केरल सरकार ने अधिसूचना जारी कर पीएफआई और उससे संबंधित संगठनों को अवैध घोषित कर दिया है। इस बीच सूत्रों के मुताबिक एनआईए की रिपोर्ट में पीएफआई से केरल में आरएसएस नेताओं को जान का खतरा है, जिसके बाद केरल में आरएसएस के 5 नेताओं को केंद्र सरकार ने सुरक्षा मुहैया कराई है। दिल्ली में प्रदूषण सर्टिफिकेट के बिना पेट्रोल डीजल नहीं मिलने वाला। 25 अक्टूबर से दिल्ली में ये नियम लागू हो जाएगा। इसके लिए दिल्ली सरकार जल्द ही अधिसूचना जारी करने जा रही है। प्रदूषण को कंट्रोल करने के लिए दिल्ली सरकार ये कदम उठाने जा रही है। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने कहा, संशोधित GREP लागू होने के बाद दिल्ली में बिना PUC सर्टिफिकेट वाले वाहन चालकों को पेट्रोल डीजल नहीं दिया जाएगा। यूपी में कांग्रेस की नई टीम का ऐलान किया गया है। बुंदेलखंड से आने वाले नेता ब्रिजलाल खाबरी को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। दलित समाज से आने वाले खाबरी जालौन गरौठा से सांसद भी रहे हैं। यूपी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष के साथ 6 प्रांतीय अध्यक्ष भी घोषित किए गए हैं। राजस्थान में कानून व्यवस्था बिगड़ती जा रही है। जयपुर में 2 लड़कियों पर एसिड अटैक हुआ। सिरफिरे युवक ने वारदात को अंजाम दिया। वहीं अलवर में नाबालिग से 8 लोगों ने गैंगरेप किया। हैवानों ने अश्लील वीडियो रिलीज करने के नाम पर 16 साल की लड़की से पैसे भी ऐंठे। केदारनाथ में हिमस्खलन का हैरान करने वाला वीडियो सामने आया है। इस हिमस्खलन ने तीर्थयात्रियों को डरा दिया। हालांकि अधिकारियों ने श्रद्धालुओं से न डरने की अपील की है। इस हिमस्खलन से मंदिर को कोई नुकसान नहीं हुआ है। इस वीडियो में देखा जा सकता है कि कैसे बर्फ का पहाड़ देखते ही देखते पूरी तरह ढह गया। भारत में पाकिस्तान सरकार के ट्विटर अकाउंट पर रोक लगा दी गई है। सुरक्षा के मद्देनजर ये फैसला लिया गया है। ट्विटर के मुताबिक ऐसा भारत सरकार की कानूनी मांग पर किया गया है। ट्विटर के इस कदम के साथ ही अब भारत में पाकिस्तान सरकार का कोई भी ट्वीट नहीं दिखेगा। भारत में पाकिस्तान सरकार के ट्विटर अकाउंट को 25 दिन के भीतर दूसरी बार बंद किया गया। यूक्रेन के 4 हिस्सों के रूस में विलय के बाद पुतिन और बाइडेन आमने सामने आ गए। पुतिन ने कहा कि अपने क्षेत्र और हित की रक्षा के लिए परमाणु हथियारों के इस्तेमाल से वो पीछे नहीं हटेंगे। वहीं बाइडेन ने कहा कि नाटो क्षेत्र के 1-1 इंच की हम रक्षा करेंगे और पुतिन की धमकी से हम डरने वाले नहीं। अब तक यूक्रेन नाटो का हिस्सा नहीं बन पाया है, जबकि यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की लगातार इसकी मांग कर रहे हैं।